हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कर्नाटका हायर एजुकेशन काउंसिल टू साइन एमओयू विद एनएसई एकेडमी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी के साथ ये करेंगे एमओयू साइन करेंगे, जिसकी वजह से 70 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। और गूगल WHO पार्टनर टू हेल्प डेवलपर्स बिल्ड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को जो है ये SDK जो उनको प्रिपेयर करने में हेल्प होगी, तो उनके लिए ये है 18 मिलियन हेल्थ केयर इस्टेब्लिश करेंगे। और INA मार्केट बिकम फर्स्ट क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट यानी कि FSSAI ने इसको सर्टिफाई किया गया, फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और जो फिच रेटिंग है उसकी ने जो इंडिया की जो रेटिंग ग्रोथ है GDP ग्रोथ है फिस्कल ईयर 2022 की उसको 8.4% पे बता रखा है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड जो है हर साल 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक हो गया। गवर्नमेंट इसको हर साल मनाती है ताकि उन लोगों को श्रद्धांजलि जाए। और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, आप ये भी देख सकते हैं। और 2003 से इसको शुरू किया गया था और इस साल का जो थीम है यू आर राइट यूर रोल से नो टू करप्शन। और जो पद्मश्री अवार्डी थे नंद पुरुस्ती जी थे जो जो उनको अभी वो पास उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी, ठीक। और युसुका मेजोवा जो इनका नाम है ये फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट बन गई हैं, ISS जाने की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाली फर्स्ट जापानीज क्या बन गई हैं, टूरिस्ट बन गई हैं। और NMCG यानी कि नमामि गंगे और जो सी गंगा ऑर्गेनाइज शिस्त इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट यानी कि नमामि गंगे का जो शिस्त समिट है वो 9 से 14 दिसंबर को शुरू चलेगा, इनके बीच में मतलब आज से शुरू हो गया है तो 14 तक चलेगा। और कैबिनेट अप्रूव्स केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट यानी कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसके लिए 44,000 करोड़ रुपीज को क्या गया लोकेट कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना को क्या कहते हैं 2024 तक उसको बढ़ा दिया गया है। और बहुत सारे इसमें 29.5 मिलियन हाउसेज आएंगे इसके अंदर। और इंडिया स्टॉप मिलिट्री ऑफिसर जो CDS बिपिन रावत जी हैं इनकी कल प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है, हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है। तो अब इसमें हाई लेवल जांच होने वाली है। तो फिर अगला है रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज हर साल मिलता है, और लेकिन 2021 और 2022 का जो अवार्ड होगा उसको मिक्स कर दिया यानी कि दोनों का अवार्ड एक ही दिया जाएगा और न्यू दिल्ली में दिया जाएगा अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और लोकलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जो है रिलीज कर दी गई है 7 दिसंबर को, ठीक है। इसके द्वारा गिरिराज पंचायती राज यानी कि गिरिराज सिंह जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया। और जल शक्ति अभियान के अंतर्गत मणिपुर को 120 करोड़ रुपीज मिले हैं ताकि वो जल जीवन मिशन को पूरा कर सके, ताकि हर घर में जो नल है उसको पानी पहुंचे वाली स्कीम है जो उसको पूरा कर सके, ठीक है। अगला है जो अडामा बैरो है इन्हें रीइलेक्ट कर दिया गया है गाम्बिया के प्रेसिडेंट पे एज अ इनको सबसे पहले 2017 में बने थे, दोबारा से रीइलेक्ट हो चुके हैं 5 साल के टर्म के लिए। इंडिया फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट थे जो श्रद्धा मेनन, इनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में, और 1992 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। और चेन्नई में इनकी क्या हुई मृत्यु हुई। रशिया बीट्स क्रोशिया टू विन डेविस कप टाइटल आफ्टर 15 ईयर यानी कि रशिया ने 15 साल बाद क्रोशिया को हराकर डेविस कप जीत लिया है, ये बहुत ही उनके लिए स्टोरी का बात है। 2006 में सबसे इससे पहले इनको लास्ट बार जीता था। और UAE में जो इससे पहले था कि 5 डे वर्क हफ्ते में 5 दिन काम कर सकते हो, लेकिन उन्होंने इसको भी घटा के 4.5 दिन यानी कि 4.5 डे वर्क करोगे आप हफ्ते में, ठीक है, और 7:30 से 3:30 बजे तक। और संकेत महादेव हैं जो इंडिया के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में, इन्होंने जो हाईवेस्ट उठाया 1 डे 13 kg उठाया, स्नैच कैटेगरी में 55 kg में इन्होंने जीता। और सार्क का चार्टर डे होता है हर साल, वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, 1985 में सबसे पहले शुरू किया था